अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा हमने आज फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, इससे पहले जो है हम बायो का चैप्टर 3 कवर कर चुके हैं, और आज जो है हम इस चैप्टर को वन शॉट में ऑल कवर करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स भी देख लेंगे, वैसे इसके मैं जो है वर्कशीट शेयर कर दूंगा आपके साथ, और नोट्स भी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वेबसाइट अभी भी थोड़ा वर्किंग में है, फिर मैं आपको उस पर वीडियो बनाऊंगा वेबसाइट पे। ओके, तो अभी जो है हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एंगुलर काइनेमेटिक्स। एंगुलर काइनेमेटिक्स मतलब एंगुलर मोशन क्या होता है। तो बात की जाए स्टडी ऑफ रोटेशनल मोशन एंगुलर काइनेमेटिक्स में, बगैर फोर्स को कंसिडर किया, मतलब विदाउट फोर्स। काइनेमेटिक में हम क्या करते हैं, मोशन को स्टडी करते हैं बगैर फोर्स, विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। फिजिक्स की ब्रांच है एज वी नो दैट। इसमें हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन को एनालाइज करेंगे स्पिनिंग ऑब्जेक्ट के, व्हील्स, सेलेस्टियल बॉडीज। एंगुलर काइनेमेटिक्स में हम जो है मतलब किसकी ब्रांच है ये भी आपको पता होना चाहिए, मैकेनिक्स की ब्रांच है। ओके, इसमें हम जो है रोटेशनल मोशन, रोटेशनल सिस्टम, कॉम्प्लेक्स रोटेशनल सिस्टम को स्टडी करेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ तीन एंगुलर टर्म्स जानते हैं एंगुलर काइनेमेटिक्स की, जो एंगुलर काइनेमेटिक्स ने फोकस किया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। पहले इनके सिंबल्स जान लो, फिर अपन जो है इनके बारे में डिटेल में अलग से टॉपिक में डिस्कस करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप थीटा से जो है शो करोगे, आगे आप कंफ्यूज मत होना कि थीटा क्या यहाँ पे डिफाइन करें। एंगुलर वेलोसिटी को आप ओमेगा ओमेगा इस तरह से डिफाइन करोगे, मतलब इसको सिंबलाइज करोगे। एंगुलर एक्सेलरेशन को आप अल्फा, यहाँ पे ए मत समझना, ये अल्फा। ओके, तीनों टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दिए एक बार और, तो आप देख लेना। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस, डेफिनेशन से पहले आप देखो, ये एक सर्किल है जिसमें एक पार्टिकल ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी, ये ऑब्जेक्ट सेंटर के रेस्पेक्ट में आर रेडियस फॉर्म करता है, सही है। बल्कि इसको यहाँ से सपोज करते हैं, डायग्राम थोड़ी उल्टी दी हुई है, तो यहाँ से जो ये ऑब्जेक्ट है ये आर रेडियस सेंटर के रेस्पेक्ट में दूर है। अब ये यहाँ से डिस्प्लेस करता है सर्कुलर पाथवे में, मतलब इसके सर्किल के सर्कमफेरेंस पे ये मूव करता है, और इस वन पॉइंट से लेके सॉरी इस वन पॉइंट से लेके इस टू पॉइंट पे आता है, मतलब इनिशियल से फाइनल, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही है। ये जो सेंटर के रेस्पेक्ट में थीटा बना, दैट्स अ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, इसके हाथ में ये ऑब्जेक्ट था, इसने यहाँ से अपने डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट की, इसको यहाँ तक लेके गया, थीटा एंगल फॉर्म किया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा एंगल सेंटर के रेस्पेक्ट में। ओके, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं द एंगल, जिसको हम रेडियन कहेंगे, डिग्री, रेवोल्यूशन, किसमें भी आप कर सकते हो, थ्रू विच अ पॉइंट और लाइन हैज बीन रोटेटेड इन अ स्पेसिफिक सेंस अबाउट अ स्पेसिफिक एक्सिस, मतलब एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो उसने बॉडी को रोटेट किया, एक एक सर्कमफेरेंस पे पाथवे कवर किया, एक सर्कुलर पाथ कवर किया, उसमें एक एंगल बना के एक मूवमेंट की, दैट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, सही है। एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, आर रेडियस का रिस्पेक्ट में इसने जो है डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। आपको देख सकते हो थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, ये डिस्टेंस लीनियर है। ओके, आर इज अ रेडियस अलोंग जिसपे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब ये थीटा एंगल जिसको हम रेडियन कह रहे हैं, इसको कैसे डिफाइन करें। आपको याद होगा हमने जो है चैप्टर 1 में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़ी, जिसमें हमने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में बात की, तो आपको पता होना चाहिए रेडियन क्या है, स्टे रेडियन क्या है। इधर तो रेडियन का काम है, एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में, और उस रेडियन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। कहेंगे भाई इट्स अ रेशियो ऑफ टू लेंथ, दो लेंथ्स का रेशियो है, डिस्टेंस ऑल्सो अ लेंथ, रेडियस ऑल्सो अ लेंथ, द लेंथ ऑफ आर्क, ये एक आर्क जैसा बन रहा है, दैट्स अ आर्क लेंथ, एंड ये एक रेडियस है, तो दैट्स अ रेडियस। तो आर्क लेंथ यहाँ पे डिस्टेंस को बोल रहा है, आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्किल। तो आपको कोई क्वेश्चन देगा भाई व्हाट इज रेडियन, तो आप रेडियन को डिफाइन कर सकते हो, रेडियन इज अ एंगल विच इज द रेशियो ऑफ टू लेंथ, वन इज आर्क लेंथ एंड अनदर वन इज रेडियस। ओके, तो इस अब आपको ये भी पता होना चाहिए वन रेवोल्यूशन किसके बराबर होता है, वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू वन मिनट,
वन रेवोल्यूशन बराबर होता है 360 डिग्री, मतलब 2 पाई रेडियन। समझाता हूँ, सॉरी, ये आपके पास एक सर्किल है, इस सर्किल में कितने पाए होंगे? इधर ये पूरा सर्किल जो होता है ये होता है 2 पाई। कितने पाई का? 2 पाई का, मतलब अगर इसका हेमिस्फीयर करेंगे तो हाफ पाए तो ये हो जाएगा, हाफ पाए तो ये हो जाएगा, और हाफ पाए ये, तो कितने पाए का सर्किल हो गया? 2 पाए का। और कितना एंगल बनेगा यहाँ पे? ऐसे अगर देखें तो 180 तो ये, और 180 ये, 360, मतलब एक रेवोल्यूशन आप अगर सर्किल का कंप्लीट करते हो तो 360 का एंगल बनता है। याद रखना, ये आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे आपको, और आगे और भी बहुत डेरिवेशंस में काम आएंगे। तो एक रेवोल्यूशन अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए तो कंफ्यूज मत होना, 360 एंगल बन रहा है 360 डिग्री का, जिसमें 180 180 के दो हेमोस्फेयर बन सकते हैं, और 2 पाई रेडियन का होल सर्किल है जिसमें एक पाए एक साइड होता है, दूसरा पाए दूसरी साइड। तो अगर ये 1 पाई है तो ये क्या होगा? ये 1/2 होगा, ये 1/2 होगा, मतलब ये दोनों मिला के पाए तो ये इसका पूरा हिस्सा ये क्या कहलाएगा? ये 1/2। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेकेंड सिस्टम जो आप एंगुलर मेजरमेंट का डिवाइड करते हो वो 360 डिग्री है। 360 डिग्री 1 रेवोल्यूशन के बराबर है, मतलब आप 1 डिग्री को 1/360 के बराबर भी रख सकते हो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए। अच्छा, वो किसके बराबर होगा? अप्रोक्सीमेटली 57.3 या 360/2π के बराबर होगा, थर्ड एंगुलर यूनिट। सही है ना? मतलब ये कह रहा है 1 डिग्री कितने बराबर है, तो 2π/360 आप कर लोगे। मतलब वो मैंने जैसे आपको समझाया कि ये 1/2 हो गया, 1/2, ये भी 1/2π हो गया, बट ये पूरा कितने का हो गया? ये पूरा पाए का हो गया, और ये भी पूरा पाए। सही है? इसी तरह आप इन टर्म्स को कन्वर्ट कर सकते हो। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कितने एंगल में आएगा, कितने मतलब कितने डिग्री का एंगल होगा? तो 90 डिग्री का होगा, आम सी बात है, 90 90, 180, और ये 180 180, 360। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। अब हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में समझते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी आपने पढ़ी थी, वैसे ही तकरीबन एंगुलर वेलोसिटी है, बट डिफरेंस ये है कि ये एंगुलर पाथवे कवर करेगी। एंगुलर वेलोसिटी इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, जिसको आप इस तरह इस फॉर्मूले से शो करोगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको अगर लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है तो आपको एंगुलर को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस जो आपको इनके साथ टर्म्स यूज़ करनी है वो आपको बताना चाहिए। आपको पता है वी इज इक्वल टू डी अपॉन टी या एस अपॉन टी। एस यहाँ पे डिस्टेंस है, और थीटा क्या है? थीटा डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। सही है? और टी क्या है? टी टाइम है, टाइम को कोई एंगुलर टर्म में लिख सकता है? टाइम को तो टाइम की टर्म में लिखेंगे। ओके, एंगुलर वेलोसिटी इज जनरल मेजर इन रेडियन पर सेकेंड। यूनिट ड्राइव करना कोई मुश्किल बात है? आप थीटा को थीटा की जगह रेडियन लिखोगे, क्योंकि वहाँ पीछे आपने इसको किस में डिनोट वो मेजर किया था, थीटा में, टाइम के लिए सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, बट एंगल आर डायमेंशन लेस। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप डायमेंशन लेस लोगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे दोनों ही लेंथ हैं, आप दोनों लेंथ को कैंसिल कर दोगे, क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो एंगुलर द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी जो होगा सिर्फ एस इनवर्स होगा, क्योंकि आर क्या है? डायमेंशन लेस है, एस इनवर्स हो जाएगा। मतलब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, रेडियन सेकंड इनवर्स। सही है? एंगुलर वेलोसिटी को हम कंसीडर करते हैं कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? डिस्प्लेसमेंट है, विद डायरेक्शन अलोंग आ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हम इसकी डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं? जब ये एक वेलोसिटी वो सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको यूज करना होगा अपने राइट हैंड का। यस, राइट हैंड का। अब देखो, अगर ये आपका हैंड घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, पहले तो आपको देखो, आपको अपना हाथ जो है इस तरह रखना है, ओमेगा आपका इस साइड आना चाहिए। ओमेगा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिस साइड डिस्प्लेसमेंट है, फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, तो आप क्या करोगे? अपना हैंड जो है इस तरह रखोगे। अब अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, सही है, तो वो क्या होगा? वो टूवर्ड यू होगा, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ना वो टूवर्ड यू होगी। सिमिलरली अगर ये एंटी वो सॉरी क्लॉकवाइज है, तो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो आपके अवे होगी। सही है ना? आप खुद देख सकते हो पिक्चर में आराम से, और ये डायग्राम भी आप समझ सकते हो कैसे
व्हाट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जब ये यहाँ से यहाँ तक एक थीटा कवर करेगा तो इसने डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज लाया होगा, ओके, साथ में वेलोसिटी का भी चेंज आया होगा, तो वेलोसिटी के चेंज से भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, आगे हम देखेंगे भी, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस के लिए आपको पता होना चाहिए भाई, इंस्टेंटेनियस मतलब जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, टाइम नियरली नियरली जीरो के बराबर हो, ओके, टाइम जीरो के बराबर हो, दैट्स अ इंस्टेंटेनियस, सही है। तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, टी आपका जीरो के नियर होगा, मतलब बहुत ही कम टाइम में वो जो है आपका वेलोसिटी जो है कवर हो चुकी है, जितनी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी थी। एंगुलर वेलोसिटी को आप इस तरह भी लिख सकते हो, 2 पाई f, क्यों, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, एक सर्कल का है, पूरा सर्कल कितने पाई का होता है, तो 2 पाई का होता है, तो 2 पाई f भी लिख सकते हो, 1/t इज इक्वल टू f माइनस फ्रिक्वेंसी, तो ये आप लिख सकते हो फार्मूला, फार्मूलाज को देखते चलना आपको जो है काम आएंगे आगे। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का भी फार्मूला आप देख लो, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/t, 10 में आपने पढ़ा होगा। अब ये एक यूनिट है, 1 रोटेशन पर मिनट, ओके, रेवोल्यूशन पर मिनट, ओके, इसलिए बराबर होता है 2 पाई पर 60, मतलब रेडियन, 2 पाई क्या यहाँ पे रेडियन है और 60 क्या है सेकेंड है, 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, तो इसको भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना, ओके। एंगुलर वेलोसिटी के बाद आखिरी टर्म, दैट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन तो अब आप समझ ही गए होंगे, जैसे हमने लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ी थी वैसे एंगुलर एक्सेलरेशन है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ओके, इसको आप जो है हाईलाइट करो, पॉइंट अच्छा है, टाइम रेट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इट्स द यूजली एक्सप्रेस इन रेडियन पर सेकेंड पर सेकेंड, मतलब रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, ये भी आप एक काम करो उसको हाईलाइट कर लो, ओके। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, ओमेगा ओमेगा जो है यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को और टाइम टी को, ओके। यूनिट आपको पता चल गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आप समझ गए हो, मतलब टी जो है वो जीरो के नियर होगा, टी लिमिटिंग। अब हम आते हैं आगे, अब कुछ लीनियर मोशंस और रोटेशनल मोशंस की टर्म्स दी हुई हैं, बस इनमें डिफरेंस क्या है, आपको यहाँ पे लीनियर आप टर्म्स यूज़ कर रहे हो, वहाँ एंगुलर टर्म यूज़ कर रहे हो, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ आप एस यूज़ कर रहे हो तो यहाँ थीटा यूज़ करोगे, ओके, यहाँ वी यूज़ कर रहे हो मतलब वेलोसिटी लीनियर, तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, टाइम तो टाइम ही रहेगा। इसी तरह आपने जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को चेंज किया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यहाँ पे वी एवरेज निकाला तो यहाँ पे अपने ओमेगा एवरेज निकाल लिया, जिसमें ओमेगा फाइनल प्लस ओमेगा इनिशियल अपॉन 2 लिख दिया। इसी तरह आपने जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी जो है चेंज कर लिया, तो इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, सही है, बस आपको थोड़ा सा टर्म्स पता होना चाहिए। ना अब हम आते हैं अपने एक और टॉपिक पे, दैट्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, छोटा सा टॉपिक है। द फोर्स विच कॉज द एक्सेलरेशन, ऐसी फोर्स जिसकी वजह से क्या हो एक्सेलरेशन हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सी बार जो है कोई भी मतलब रूप लेके उस पर पत्थर वगैरह बांधा होगा, लंगर वगैरह चलाया होगा ना, तो उसको जब आप गोल घुमाते हो, गोल घुमाते हो तो कैसा आपको मतलब जो है वहाँ पे वेव फ्रंट, मतलब आपको कैसा फ्रंट देखने को मिलता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपने रिएक्शन लगाया, होना तो ये चाहिए था ये पीछे आ जाता, लेकिन नहीं, आपने यहाँ पे रिएक्शन लगाया तो यहाँ पे इसने एक एक्शन लगाया, एक्शन रिएक्शन फोर्स तो बन रही है, बट यहाँ पे ये सेंटर के रेस्पेक्ट में बनी है, दैट्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पे जो है ये एक एंगुलर पाथवे, एंगुलर मतलब पाथवे कवर करेगी, सर्कुलर पाथवे कवर करेगी और एक एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगी, सही है। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये हो रहा है एक फोर्स जो डायरेक्ट कर रही है सेंटर की तरफ,
उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ डायरेक्ट करे उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अच्छा फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, फॉर एग्जांपल आप मान लो इस तरह से, सही है। अब ये जो है इस पे यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएंगे। आप समझते होगे इसी ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगती होगी, इसे बैलेंस कर लेती होगी, कभी नहीं। इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ रख दो, वो उस पर जो फोर्स लगेगी वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, उस पर जो लगेगी वो होगी सेंट्रीपिटल फोर्स, और फिर वो करेगी बैलेंस। ओके, आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे जो है फॉर्मूला क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्लैनेट ऑर्बिट, मतलब जो है सन के रेस्पेक्ट में जो है सर्कुलर पाथवे कवर करता है, कार जो है एक सर्कुलर पाथवे में मूव कर सकती है, यहाँ पे एक रोलर कोस्टर की एग्जाम्पल दिए जो एक लूप को कवर करता है सर्कुलर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, वो एक्सेलरेशन जो सेंटर में टू डायरेक्टेड हो, मतलब एक मूविंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन जो डायरेक्टेड का हो टूवर्ड द सेंटर, दैट्स अ सेंटर, दैट्स अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, डेरिवेशन से पहले जरा इस इमेज पे आओ, ये सेंटर है, ये एक रेडियस दिया हुआ है। ओके, ये तीन पॉइंट्स ए बी सी को भी भूल जाओ, एक आर रेडियस है यहाँ पे। ये ऑब्जेक्ट बी वन वेलोसिटी से मूव करा और यहाँ पे बी टू वेलोसिटी से यहाँ पे आया, मतलब डेल्टा एस ने कवर किया, डेल्टा एस ने कवर किया। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचूँ तो ये एक डेल्टा आर एक और बनता है और एक आर ये बनता है, मतलब यहाँ पे चेंज इन आर आया है, दो आर हो गए और थीटा में भी चेंज आया है। सही है, समझ गए। मतलब एक यहाँ पे हमारे को राइट एंगल ट्राइंगल देखने को मिला है, वेलोसिटी में चेंज है, किस किस में चेंज है, वेलोसिटी में चेंज है, डिस्टेंस में चेंज है और एंगुलर डिस्टेंस में भी चेंज है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं ट्राइंगल आइडेंटिटी, इसको तो हमें मिलता है डेल्टा वी अपॉन वी, मतलब ये चेंज इन वेलोसिटी अगर आप इस तरह देखो और वी को आप नीचे रखोगे इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर रेडियस का। सही है, अब इसको आप रीअरेंज करो तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी अपॉन आर और इंटू डेल्टा एस, मतलब डिस्प्लेसमेंट। टाइम के रिस्पेक्ट में आप इनको रखो तो टाइम से आप इन सबको डिवाइड करोगे, सही है, टाइम से डिवाइड किया, टाइम से डिवाइड करने के बाद आपको डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी मिलता है और वी आर मिलता है। ओके, तो ये हो जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू वी अपॉन आर। तो आप यहाँ पे इसको इस तरह शो कर सकते हो और आपको इस तरह एक ये मिलेगा कि बी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। सही है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये आपको किस तरह बोल रहा है, ये आपको बताना चाह रहा है डेल्टा एस किसके बराबर है, बी अपॉन डेल्टा टी के, मतलब बी जो है वो किसके बराबर है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के, तो यहाँ पे बी आ जाएगा और बी जो है वहाँ पे आगे मल्टीप्लाई कर जाएगा तो आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगी बी स्क्वायर अपॉन आर। सही है, क्या मिलेगी, बी स्क्वायर अपॉन आर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी में हम किस तरह लिख सकते हैं, तो आप क्या करोगे वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, कैसे आया हमें पता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, आप इसको लिख रहे हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिख रहे हो, तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा कि भाई ए सी की जगह आप क्या लिख रहे हो आर ओमेगा। आर ओमेगा हमने कहाँ से लिया था, हमें जो है 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। ओके, ओके 1 मिनट, आई थिंक मैं आपको ये नहीं कराया। इट इज़ यूजफुल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, आप एंगुलर एक्सेलरेशन को एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हो, आप
एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल आप इसको वहाँ लेके जाते हो ए को, तो आपको यहाँ पे मिलता है, बल्कि सॉरी बी को नहीं, आप आर को इधर लेके आते हो, तो आपको मिलेगा ए आर स्क्वायर। तो आपको इसको जो है मतलब इस टर्म में लिखोगे वी इज इक्वल टू आर ओमेगा के टर्म में, एंगुलर एक्सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को आप एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में इस तरह लिख सकते हो। मतलब यहाँ पे आपकी बुक में डेरिवेशन नहीं दी है और इसको सिर्फ डायरेक्ट लिख के बता दिया कि भाई इसको आप इस टर्म में लिख सकते हो, सही है। तो फिर आप जो इसको फॉर्मूले में पुट करोगे डायरेक्ट, आपको क्या करना है, सिर्फ आपको आगे जाके रिलेशन चाहिए, तो आपको रिलेशन लेने के लिए जो है इसका करना पड़ेगा। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है आर ओमेगा के बराबर होगी, स्क्वायर लिखोगे तो आर से आर कैंसिल, सॉरी आर का स्क्वायर आ जाएगा और ओमेगा भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आर से आर का स्क्वायर जो है आर से कैंसिल हो जाएगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। ओके, तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा का टर्म आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना ये दो फॉर्मूलाज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से, किसकी वजह से होता है, वो होता है टेंशन फोर्स की वजह से। सिर्फ टेंशन फोर्स नहीं, आपको टेंशन फोर्स लगा होगा, इसके वजह हो सकती है ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब इसकी एग्जाम्पल कैसे दी है, इन अ स्विंग बोल अ टेंशन फोर्स इज एक्सटर्न कॉज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट है, सेंटर के रेस्पेक्ट में ये जो है मूव कर रहा है, इसको जो है एक आर रेडियस से इस आदमी के जो है सेंटर, इस आदमी के सेंटर्स के आर रेस्पेक्ट में ये, और ये मास जो है एक सेंटीपिटल फोर्स से मूव कर रहा होगा, तो ये सेंटीपिटल फोर्स इज ड्यू टू टेंशन फोर्स। इस पे जो एक टेंशन फोर्स लग रही होगी, उस टेंशन फोर्स की वजह से यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स बैलेंस करने के लिए बैलेंस फोर्स जो है यहाँ पे अप्लाई हो रही है। ओके, अब ये जो सेंटीपिटल फोर्स है, अगर मैं इसको मैथमेटिकली देखूँ तो एफ सी इज इक्वल टू एफ टी प्लस एफ डब्ल्यू। एफ टी यहाँ पे आपको क्या शो कर रहा है, एफ टी आपको यहाँ पे शो कर रहा है टेंशन फोर्स, और डब्ल्यू यहाँ पे शो कर रहा है आपको वेट की फोर्स। ओके, क्योंकि दोनों फोर्स आप फॉर एग्जाम्पल आप जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, तो आपको इस साइड जो है एक क्या कौन सी फोर्स फील होती है, आपकी आप आपकी कार जा रही है एक सर्कुलर पाथ वे में, तो आपको यहाँ पे एक फोर्स फील होगी आपकी कार को, दैट्स अ फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, और सेंटर के रिस्पेक्ट में कौन सी होगी, वो होगी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या हो, सेंट्रिपिटल फोर्स क्रिएट हुई। ओके, इसी तरह ग्रेविटेशनल के केस में और बाकी केस में, ग्रेविटेशनल केस में आपको बताऊं तो ये सेंट फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स, और ये इस पे जो है वेट लग रहा होगा या टेंशन लग रही होगी। ओके, तो अब जो है हमने इसको इक्वल रखा है, अब मैंने क्या किया, एफ टी को उधर ले गया और इसको यहाँ पे इधर ले आया, तो माइनस की साइन आ गई। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, वेट माइनस एम जी। फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करो, रीअरेंज क्या करेंगे, बल्कि यही आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला, एफ टी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। आप अरेंज भी कर सकते हो, बट आपके लिए ये ज़्यादा ईजी रहेगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये हो गया आपका सेंटीपिटल फोर्स कॉज बाय एक्सेलरेशन। अब हम आएंगे बैंकिंग ऑफ रोड, व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड। ये जो है बैंकिंग जो है, हम अब बैंकिंग का मतलब बैंक नहीं हो गया आपका जो बैंक अकाउंट वगैरह, ये ऐसी नहीं, बल्कि बैंकिंग जो है हम क्या करते हैं, किसी भी रोड को जहाँ पे हमें मतलब जो है खतरा ही होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये रोड सीधा होता तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट ये होता कि लोग जंगल में गाड़ी ठोक देते हैं, है ना। मतलब यहाँ से जो है कोई माउंटेन के इलाके होते हैं या ऐसे कुछ, तो इधर जो है ना रोड को थोड़ा सा बैंक किया जाता है, क्योंकि सर्कुलर पाथवे है। अब सर्कुलर पाथवे, तो इधर अगर कोई इस स्ट्रेट रोड बनाएगा इस तरह से फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या होगा, गाड़ी जो है वो साइड में जाके टकरा सकती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो पाथवे क्या जाता है, कर्व कर दिया जाता है ताकि कार जो है बड़ी इजीली मूव कर जाए। ओके, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, तो रोड को थोड़ा सा एक एज से थीटा एंगल, एक एंगल एक सर्टेन एंगल से उसके इनर एंड से मूव कर देते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स लगती है और सेंटीपिटल फोर्स लगती है, और वो जो है उसे बैलेंस करती है, ताकि जो है ऑब्जेक्ट बहुत मतलब जो है कार जो है बहुत इजीली मूव कर सके। तो कौन कौन सी जो है फोर्सेज हैं जो बैंक कर्व में अप्लाई होती हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा ग्रेविटेशनल, नॉर्मल एंड फ्रिक्शनल। ग्रेविटेशनल जो है डाउनवर्ड मूव करेगी, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ, सॉरी डाउनवर्ड एक्ट करेगी,
तो इस तरह से एक्ट करेगी ग्रेविटेशनल। नॉर्मल फोर्स जो है उसके सेंटर पे होगी इस तरह से। अभी हम देखेंगे, पूरा डेरिवेशन करेंगे। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है, ओके समझ गए आप, कहाँ एक्ट करेंगी और फैक्टर पे भी डिपेंड करती है। अब अगर हम किसी बैंक कर्व को देखें तो आपको ये पहले तो पता होना चाहिए कि थीटा जो है ना, इधर थीटा एंगल जो बनेगा, थीटा एंगल पहले मैं आपको समझाऊँ, आप कंफ्यूज हो रहोगे। ये बैंक रोड है, इसका ये जो प्लेन रोड के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल बन रहा है, दैट्स ओके। तो फिर जो है, जितना ज़्यादा एंगल ग्रेटर होगा तो उतनी ज़्यादा मतलब फास्टर और इजीली जो है आप कर्व मूव कर सकते हो। जितना कम जो है आपका थीटा होगा तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, आपको अपनी स्पीड आहिस्ता करना पड़ेगी, क्योंकि इतना फॉर एग्जाम्पल ये ज़्यादातर हाईवेज पे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो है गाड़ियों की स्पीड बहुत तेज़ होती है, कार्स को स्पीड आहिस्ता करनी पड़ेगी। अगर रोड सीधा होगा, रोड अगर टिल्ट होता है तो वो यहाँ से मूव करके ले जाते हैं साइड से, क्योंकि वो फ्रिक्शनल फोर्स उसे बैलेंस कर लेती है। अभी हम देखेंगे किस तरह। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट, एक कार मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो आप इसमें ट्रेवल कर रहे हो। ये एक बैंक रोड है जो थीटा एंगल बना के यहाँ बनाया हुआ है जिसने यहाँ से, सही है। तो ये रोड सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, वो सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो तो वहीं लगी, मतलब वेट तो अपनी जगह पे लगेगा एमजी। ये नहीं कि रोड चेंज हो गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो गई, इधर कहीं और टिल्ट कर गई, नहीं। तो एमजी मतलब वेट तो इधर ही लग रहा है, बट यहाँ पे आप देखो उसका नॉर्मल यहाँ नहीं है, नॉर्मल इधर नहीं है, नॉर्मल इसका बेसिकली इधर है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करते हैं, आपने अगर चैप्टर वन मेरे पास पढ़ा हो या कहीं भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा क्लास 11 का चैप्टर वन में, कि हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रेजोल्यूशन ऑफ फैक्टर हमने करना सीखा था। मैं क्या करूँगा, मैं नॉर्मल को दो कंपोनेंट में तोड़ दूंगा, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, सही है। अब आप देखो यहाँ पे जो है लग रही होगी फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम देखते हैं, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इसे यहाँ मूव कराने की कोशिश करेगी और सेंट्रीपेटल फोर्स इधर। अब आप देखो एन साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे लग रही होगी सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स लग रही होगी 1 मिनट। इधर जो है आपकी लग रही होगी सेंट्रीपेटल फोर्स एंड हेयर इधर सेंट्रीपेटल फोर्स, जिसमें हम एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिखेंगे, ओके। एन साइन थीटा किसके बराबर है? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और एन कॉस थीटा बराबर है आपका एम जी के, लिख दिया। इनको कंबाइन करेंगे हम, कंबाइन करने के बाद एम जी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, तो हमें पता चलता है कि साइन अपॉन कॉस, अगर आपने मैथ पढ़ी हो तो टेन थीटा के बराबर होता है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर हमने इसकी इक्वल में रखा है, और टेन अब हम जो है एम से हम कैंसिल कर देंगे, मतलब मास का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यहाँ पे सारे फोर्सेस का रोल है। टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी। टेन का हमारा क्या काम? टेन को हम जो है उधर ले आएंगे, थीटा हमें फाइंड करना है, तो टेन जो है माइनस मतलब उसका इन्वर्स हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाता है फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर जी। नाउ व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आर्थ है। अब ऐसा तो नहीं होगा आपने यहाँ से सेटेलाइट भेजनी है तो बस आपने कहा कि भाई जाने दो, कहीं ना कहीं जाके रुकेगी, नहीं ऐसा नहीं होता। बल्कि एक जोन होता है, उस फिक्स जोन तक भेजनी होती है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर 1 मिनट, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उस वहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी जो है अप्लाई हो रही होती है। मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड तो आपको पता है हर जगह अप्लाई हो रही है, मतलब हर जगह ही आप पे लग रही होती है। कहीं अगर आप इस पे हमारी अर्थ से दूर जाते हो, मतलब अर्थ से दूर जाओगे तो उस पे जो है फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा, लेकिन फोर्स तो फिर भी लग रही हो। अब इस रीजन पे समझो बहुत ज़्यादा फोर्स है ग्रेविटेशनल, तो इस रीजन से अगर आप यहाँ पे आउट कर जाते हो, मतलब निकल जाते हो, तो आप अब जो है ऑब्जेक्ट पे कम फोर्स लगी, तो हमें यहाँ से सेटेलाइट भेजनी है। तो अब हम ऐसे तो नहीं भेजेंगे कि भाई यहाँ से अगर निकाल गए तो फिर कहीं भी चले जाए, भले यहाँ निकल जाए इधर निकल जाए, नहीं, हमें इसको एक फिक्स पाथवे में मूव कराना। फॉर एग्जाम्पल हमारा डिजायर्ड पाथवे ये है, मतलब हमें इसे इस ऑर्बिट में भेजना है, तो हम इसको एक फिक्स वेलोसिटी से भेजेंगे ना, ऐसे तो नहीं। तो एक वो फिक्स वेलोसिटी जिससे हम इस ऑब्जेक्ट, इस सेटेलाइट को इस ऑर्बिट में सेटल करेंगे, तो
तो वो होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। द वेलोसिटी स्पीड रिक्वायर्ड टू अचीव द ऑर्बिट अराउंड अ हेवनली बॉडी सच एज प्लैनेट्स स्टार्स द रिक्वायर्ड ट्रेवलिंग अ सस्टेन्ड स्पीड। ओके, अब इसमें जो है कुछ मतलब जो है कुछ स्पीड के बारे में बात की जा रही है कि अलाइंग हेवली बॉडी रोटेशनल वेलोसिटी इन इन फास्ट इनफ टू एनकाउंटर द फोर्स पुलिंग द ग्रेविटेशनल ऑर्बिट ऑब्जेक्ट एंड टूवर्ड द सरफेस। ओके, मतलब फास्ट मूविंग जो आप फास्ट अगर ज़्यादा फास्ट इनफ मूव करेगी ऑर्बिटल वेलोसिटी से तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पुल कर लेगी और ऑब्जेक्ट को टूवर्ड द बॉडी सरफेस। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एयरप्लेन है, हमारे जो एयरप्लेन होते हैं वो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ते कि भाई कि सरफेस को जो है मूव करके निकल जाए कोई, बस वो जो है हमारे इनर सरफेस। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है फॉर एग्जाम्पल ट्रॉपोस्फेयर में ही रहते हैं, ज़्यादा तो ज़्यादातर ऊपर नहीं जाते, ठीक है, तो इधर मूव करते हैं। अब ऑर्बिटल स्पीड क्या है, ये आप सैटेलाइट की एग्जांपल ले सकते हो जो एक सर्कुलर मोशन ही कर रही है सर्कुलर पाथवे में वी वेलोसिटी से, ठीक है, ये वी वेलोसिटी है, एम मास है, आर सेंटर का रिस्पेक्ट में मूव कर रही है, ठीक है। तो अब ये सेंटर ये सब बात है उसमें कह रहा है कि भाई फॉर एग्जाम्पल मून भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, या कोई हमारी बनाई हुई सैटेलाइट भी हो सकती है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इसकी सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होगी आप जानते हो, एफ सी इज इक्वल टू एम सेटेलाइट वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको पता होना चाहिए एफ जी फोर्स ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू जी जो कांस्टेंट है ग्रेविटेशन का, एम वन सेटेलाइट मतलब एम वन मतलब सेटेलाइट के मास और एम सेंट्रल जो जिस बॉडी के रोटेट कर रही है एम सेंट्रल और अपॉन आर स्क्वायर। ये हम ग्रेविटेशनल के चैप्टर में अच्छी तरह पढ़ेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल का चैप्टर जो है आपकी बुक में नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा शायद मैं आपको ये भी करवाऊँ एक्स्ट्रा के तौर पर, चैप्टर अच्छा है। फॉर्मूला ड्राइव हो क्या आता है, वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर, एम जो है सेंट्रल मतलब अर्थ का है जिसको आप आपको पता होना चाहिए मास ऊपर 6 ले लो पूरा इसको 5.98 छोड़ो 6 × 10^24 याद करने में आसान हो जाएगा और यही है। अब इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन जो है ग्रेविटेशन के चैप्टर में की है और जो न्यूटन के ग्रेविटेशन जो है लॉज वो भी सब उसी में ही है, बट हमारी बुक्स में इंक्लूड नहीं है या तो इंटर में कर दें। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू कितनी है, कि कांस्टेंट की वैल्यू होती है कुछ ना कुछ, जैसे आपने 10 में पढ़ा होगा, 9th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा आई होप, अगर आपने 9th में अच्छी तरह स्टडी की है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी जो है वैल्यू है 6.67 × 10^11। ओके, अब टाइम पीरियड और ऑर्बिटल रेडियस क्या है ये देख लेते हैं एक बार। सिंस अ प्लैनेट और सैटेलाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर मोशन, अब वो एक टाइम पीरियड कवर करेंगे, एक सर्कमफेरेंस क्या होगा एक रेडियस के रिस्पेक्ट में 2π कवर करना, तो 2π × r। लीनियर स्पीड इज क्या होगी, v इज इक्वल टू 2π/t, ये डिस्टेंस थीटा को उसने डिवाइड कर दिया t से, तो लीनियर वेलोसिटी मिल गई। लीनियर वेलोसिटी को सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू 2π r² मतलब इसको आपने सब्सटीट्यूट किससे किया है, इस पे जो है मतलब आपने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर ली है और फिर आपको मिल गया है जी एम अपॉन आर। फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर जीम सेंटर। तो टाइम जो है अब आपको रियल फॉर्मूला ये हाइड हो रहा है, टी स्क्वायर इक्वल टू 4π² आर क्यूब जी एम सेंट्रल। ओके, जी इंटू एम सेंट्रल, ये आप सब चीज़ जानते हो, टी टाइम पीरियड, आर ऑर्बिटल रेडियस मीटर में करोगे और टाइम पीरियड को सेकंड में, जी तो कांस्टेंट ग्रेविटेशनल न्यूटन कांस्टेंट, एम मास जिसको आप किलोग्राम में सपोज करोगे। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया हमने पढ़ा था, इनर्शिया हमने चैप्टर 3 में पढ़ लिया था। ओके, चैप्टर 3 में हमने पढ़ लिया था, ये 4 है मतलब इससे पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जिसमें बॉडी एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करेगी, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन को रेजिस्ट करेगी कोई भी बॉडी, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो, इट कैन डिस्क्राइब एज अ क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ टॉर्क
नेसेसरी फॉर स्पेसिफिक एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्क की जिसके वजह से स्पेसिफिक एंगुलर एक्सेलरेशन होती है रोटेशनल एक्सेस पे। अब ये छोड़ो, अब आते हैं फॉर्मूले पे, 1 मिनट। यस, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पे सम ऑफ ऑल, मतलब जितने भी इनर्शियल को मतलब मास और रेडियस के स्क्वायर हैं उनका सम कर लो तो आपको मिल जाएगा इनर्शिया। ओके, आई एम एन आर आप जानते हो, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इसका फॉर्मूला। एम एल, अब आपको डायमेंशनल अगर फॉर्मूला बनाना आता हो तो आप बना सकते हो। एम एल स्क्वायर, और टी जो है 0 है, मतलब टी यहाँ पे टाइम का कोई रोल नहीं है। सही है। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर, इनर्शिया डिपेंड करती है शेप और साइज पे, डेंसिटी पे, अगर आपने इनर्शिया पढ़ा हो। और एक बार और हमने दोहरा दिया कि भाई फॉर एग्जांपल एंगुलर एक्सेलरेशन किस तरह, किस रेस्पेक्ट में बोल रहा है, ये ऑब्जेक्ट अगर कोई एंगुलर पाथवे में मूव कर रहा है तो इसको रेजिस्ट करने के लिए जो, इसको रेजिस्ट करने के लिए जो एबिलिटी है उसको एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहे हैं। ओके, अब मतलब जितना ज़्यादा शेप होगा, साइज होगा, डेंसिटी होगी, उतना अच्छी तरह से इनर्शिया जो है, मतलब इनर्शिया उस पर अप्लाई होगा। एक्सेस ऑफ रोटेशन भी डिपेंड करता है, आप छोटा लंगर बनाओगे तो उतना अच्छे रोटेशन नहीं हो पाएगी, जितना लंबा बनाओगे उतना अच्छी तरह आप जो है उसको दूर तक फेंक भी सकते हो, है ना। जो एक्सपर्ट होंगे वो तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। नो, दो पार्टिकल के दरमियान रोटेशनल इनर्शिया को हम जानते हैं कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो पार्टिकल्स को देखोगे, बल्कि इनकी पिक्चर शायद दी है मैंने, हाँ, तो दो मास हैं M1, एक सपोज कर लो इसको M2 सपोज कर लो, इनके दरमियान एक लेंथ है। अगर ये पूरी एक लेंथ है तो मैं इसको हाफ कवर करूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, मैं आपको बोलूँ एक सर्कल है, उस सर्कल को हाफ करो, तो हाफ मतलब इस तरह से 1/2, 0.5 है ना। तो इस लेंथ को मैं कहूँ अगर हाफ करो तो आप 1/2 अब एल कहोगे, सही है ना। तो ये गलत तो नहीं है ना, 1 को अगर आप हाफ करना चाहो तो 1/2 ही कहोगे, क्योंकि वो उसका हाफ हो जाएगा। तो ये एक लेंथ है जिसको हमने हाफ किया है, दो पार्टिकल्स हैं जो एक सेंटर के रिस्पेक्ट में हाफ एल लेंथ के, मतलब जो है रिस्पेक्ट में डिस्टेंस पे हैं वो। अब अगर देखें तो दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, एक्सेस ऑफ रोटेशन पे, तो आप यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाओगे, इनर्शिया का फॉर्मूला लगाया, लेंथ रखोगे, लेंथ का स्क्वायर है और आपके पास आ जाएगा हाफ एम एल स्क्वायर। कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है, डेरिवेशन की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बस तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब रोटेशनल में आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे दोनों का एक ही, मतलब सेंटर के रेस्पेक्ट में नहीं लिया आप अपने, रोटेशनल बॉडी ऑफ अबाउट एन एक्सिस थ्रू लेफ्ट एंड ऑफ रोड। ओके, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको आपने अब रोटेशन एक्सिस ले लिया है, ये देखते रहना, ये रोटेशनल एक्सेस को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये रोटेशनल एक्सेस है, ये आपको टॉर्क समझा रहा है, ठीक है ना। अभी हम टॉर्क पढ़ेंगे, टॉर्क जैसा नहीं लग रहा, टॉर्क ही है ना, देखो रेडियस हो गया, फोर्स लगाओ। लेकिन यहाँ तो मास है, दो यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है, एक लेंथ है। अब ये जो इसके अराउंड एक एक्सिस है इस पर मूव कर पाएगा तो इसका इनर्शिया क्या होगा, वो होगा एल आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। ओके, अब हम सेकेंड मेथड क्या लगा सकते हैं, एज सेंट एज इनर्शिया एंड थ्रू द सेंटर ऑफ मास, बिकॉज द एक्सिस हियर पैरेलल टू द सेंटर ऑफ एक्सिस वी कैन, मतलब हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। मतलब ये कह रहा है कि जो आई सी है वो एक्सिस के थ्रू, एन एक्सिस अबाउट थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड बिकॉज ऑफ एक्सिस हेयर इज पैरेलल टू द सेंटर, मतलब जो एक्सिस है वो सेंटर के पैरेलल है, तो हम क्या लगाएंगे, आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ओके, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया हमने, और फिर उसको जो है इनर्शिया के फार्मूला में फिल कर देंगे और हमें मिल जाएगा आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर। ये सेकेंड मेथड है वही फार्मूले को ड्राइव करने का, कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई ये आपको आना चाहिए, ये कम्पिटेटिव एग्जाम के का, मतलब उसमें तो आपको इतना ज़्यादा नहीं परेशान करेगा, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आपको इसकी डेरिवेशन आ सकती है, आना चाहिए। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है, एक बार ये समझा दूँ, फिर उसके बाद आपको इधर आता हूँ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ पर्टिकुलर एक्सिस, मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है किसी
किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको पता करना है, तो आप उसको जो है मतलब एक पर्टिकुलर एक्सिस लोगे जो बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। सही है, आई सी के शो कर रहा है सेंटर का एक्सिस, सेंटर का इनर्शिया। ओके, जो पैरेलल एक्सिस के क्या होगा, एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड अ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस के इक्वल होगा अराउंड पैरेलल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मास ऑफ बॉडी, हाइट ऑफ बिटवीन टू एक्सिस, सेंटर ऑफ मास। अगर आपने 9th में पढ़ा होगा तो आपको एम एस स्क्वायर पता होगा। ठीक है, थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और उसको आप प्लस कर दोगे इन दोनों क्वांटिटीज को, तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम मिल जाएगा। ऐसे ही तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। और जो है इसको इनर्शिया के फॉर्मूले में पुट करा और हमें आई इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर मिल गया। ओके, अब हम देखेंगे इनर्शिया वेरियस बॉडीज में, फिर हम आगे आगे जो है मतलब होलो सर होलो सिलेंडर में एंड देन स्फीयर में। फॉर एग्जांपल ये बॉडी है जिसका एम मास है, आर रेडियस है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का रोटेटिंग बाय सेंटर ऑफ एक्सिस, तो यह हमें फॉर्मूला मिलता है आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। ओके, अब हम एज्यूम कर लेते हैं भाई सॉलिड सिलेंडर 2 किलो का है, रेडियस 0.5 मतलब हाफ मीटर है। फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा, यूनिट याद रखना किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर, इनर्शिया का इनर्शिया का यूनिट है, टेंशन में बताया जाना इनर्शिया का। ओके, अब किसी होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर मतलब ये होल है, अब यहाँ पे आपको होलो सिलेंडर है तो इसका एक मास तो होगा ही, इनर रेडियस भी होगा एक ए। ओके, ये देखो इनर रेडियस यहाँ पे शो किया है, बिल्कुल ब्लर हो गया है यहाँ पे, 1 मिनट। ओके, ये यहाँ से लेके ये एक इनर रेडियस शो किया है सेंटर के रिस्पेक्ट में ए, और आउटर रेडियस जो बी से आपने शो किया है, बी वाला ये रहा ए वाला ये रहा सिलेंडर का। अब जब हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू हाफ एम, तो एल जो है ना आपके पास दो है, एल आप यहाँ पे रेडियस को सपोज कर लो, एक तो ए और एक बी, उसका स्क्वायर ले लोगे काम बन जाएगा। इस तरह आपको एक एग्जांपल दिए और ये आपने वैल्यू, आपको जो है एक सिलेंडर दिया जिसमें 3 किलो का मास है, तो जो 3 किलो मास का है, 3 किलो का है, 0.4 इसकी इनर रेडियस है, 0.6 इसकी मीटर मतलब आउटर रेडियस है। फॉर्मूला को रखोगे और सॉल्व कर दोगे, बस ये आपका आ गया फॉर्मूला, 1 मिनट इसको हाईलाइट कर लूँ, जितने फॉर्मूलाज बता रहा हूँ आप इनको करते चलना। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर, किसी भी स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह मतलब जान सकते हैं, एक सॉलिड स्फीयर कंसिस्ट करो, स्फीयर तो आपको पता ही होगा, एक सर एक फॉर एग्जाम्पल आप एक कागज़ पे सर्किल बनाओ और उसको कट करो तो वो आपके लिए एक सर्किल है, मतलब वो एक सर्किल ही है, बट फॉर एग्जाम्पल आप फुटबॉल को लेते हो तो वो सर्किल नहीं है, उसको भी सर्किल मत बोलना, वो स्फेयर है। ओके, तो इसका क्या मास होगा, आर रेडियस होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फेयर का क्या होगा, आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर। 2/5 क्यों ले रहे हैं, एक वैल्यू है कॉन्स्टेंट वैल्यू जो हम स्फेयर के लिए लेंगे एम आर स्क्वायर। अब हमने अज्यूम किया भाई 1 किलो मास है, 0.3 मीटर रॉड है, सॉरी रेडियस है, और ये हमने इसको सॉल्व कर दिया तो हमें आंसर मिल गया किलोग्राम इनटू मीटर स्क्वायर। ओके, आफ्टर दैट 1 मिनट। ओके, यहाँ पे मेरे एक रिलेशन रह गया था, ये मैं भूल गया, तो हम इसको भी देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज के दरमियान। जैसे हमने अभी एंगुलर एक्सेलरेशन उससे पहले पढ़ी थी, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, तो आपको ये पता होना चाहिए इनके फार्मूलाज, अगर देख लेते हैं आप कितना याद है, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर किसका है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है, वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी ये तो लीनियर वेलोसिटी है, और ये एंगुलर वेलोसिटी है। क्या करेंगे हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन टी और वी इज इक्वल टू एस अपॉन टी, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, सॉरी वी अपॉन टी कह रहे हैं, थीटा अपॉन टी, और थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, एस अपॉन आर लिख दिया, एस आर जो है उधर ले जाओ ओमेगा के पास, और एस सॉरी आर से जो है आप इनको डिवाइड कर दो बोथ साइड,
और आर से डिवाइड करने के बाद यहाँ से आर तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओमेगा आर इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। आप क्या करोगे, ओमेगा इंटू आर को आप चाहो तो इधर भी ले आओ, वरना एस अपॉन टी इज इक्वल टू बी होता है, और बी इज इक्वल टू आर ओमेगा का आपको रिलेशन मिल जाता है। मतलब लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है आपको यहाँ पे दिख गया। वी इज इक्वल टू लिनियर वेलोसिटी, आर इज इक्वल टू रेडियस, एंड ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी स्पीड पे लो। सही है, इसी तरह हम एक्सेलरेशन के साथ लिख करेंगे। मतलब बी इज इक्वल टू आर ओमेगा आपको पता है, टी के रेस्पेक्ट, टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों को डिवाइड कर दो। टाइम के रेस्पेक्ट में डिवाइड करोगे वी अपॉन टी, आपको लिनियर एक्सेलरेशन मिल जाएगी, ओमेगा अपॉन टी एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगी, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। मतलब सिर्फ क्या करना है आपको, वेरिएबल चेंज करना है, या लीनियर वेरिएबल एक्सेलरेशन का और वेलोसिटी का, या एंगुलर वेरिएबल एक्स ओमेगा मतलब एक्सेलरेशन का, ठीक है ना, या वेलोसिटी का। तो ये अल्फा क्या, ए क्या शो कर रहा है आपको, टेंडेंशियल एक्सेलरेशन, ए यहाँ पे अल्फा आपको यहाँ पे शो कर रहा है एंगुलर, और ए लीनियर, और आर रेडियस। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है यहाँ पे, कहता है एक मोटरसाइकिल टर्न कर रही है 3620 टाइम वाइल बींग रीडिंग, मतलब कितने टाइम में रीडिंग कर रही है, 6.50 मिनट, मतलब एंगुलर स्पीड बतानी है, रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम बताना है, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन कितने, 3620 टाइम 6.50। इनको आप लिखोगे, इनको आप लिख के डिवाइड कर दोगे, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सही है। एक क्वेश्चन आपका बुक में दिया हुआ है, वो आपके लिए होगा कि आप उसको चेक करना, थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आप समझते जा रहे हो तो आपको आ जाएगा समझ। ठीक है, अब हम आ रहे हैं आगे ऑन एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा था, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉडी है इसका मास ज़्यादा है, एक बॉडी है जिसका मास कम है, कौन आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा, बट यहीं पे कहता हूँ दोनों का मास तकरीबन 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 सेम है, बट इसकी वेलोसिटी बहुत तेज है, इसकी वेलोसिटी 10 या 20 मीटर पर आ रहा है, तो आप किसके सामने खड़ा होना पसंद करोगे। तो आप बोलोगे भाई ये तो रुक जाएगा, लेकिन ये जो है ये नहीं रुकेगा, और इसकी स्पीड बहुत तेज है, तो ये आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा। तो ये तो था लीनियर मोमेंटम, है ना, कि इसका रिलेशन क्या बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा मोमेंटम, उसी के साथ जितनी ज़्यादा वेलोसिटी तो और भी ज़्यादा मोमेंटम। मतलब अब आप इसको एंगुलर टर्म में लोगे तो आपको क्या करना है, वही लीनियर मोमेंटम अगर आप उसको इंटू आर कर देते हो, एंगुलर टर्म में लेते हो, एक रेडियस में अगर वो पाथ में मूव करता है तो वो एंगुलर मोमेंटम, मतलब बॉडी सेम रिलक्टेंस इनर्शिया टू द चेंज, इनर्शिया टू द चेंज एंड एंगुलर वेलोसिटी एज कम्पेयर टू द बॉडी मूवमेंट स्ट्रेट लाइन टू देयर लीनियर वेलोसिटी, दिस इज ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। हम बाईसाइकिल चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किक मारते हैं, किक मारने से क्या होता है, हमारी जो है टायर मूव करता है, टायर मूव जब करता है तो उससे क्या करता है, वो एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करता है, जिससे वो बैलेंस हो जाती है साइकिल, बगैर जो है आप कोई स्टैंड लगाए या पाँव लगे, बस पैंडल मारते रहते हो, पेंडलिंग करते रहते हो, और आपकी साइकिल जो है चलती रहती है, दिस इज ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम। सही है, अब अगर हम इसका फॉर्मूला डिराइव करें तो ना मुश्किल नहीं है, लीनियर मोमेंटम जिसको आप पी से शो करते हो इंटू आर कर दो, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम, एल से शो करोगे, याद रखो। ओके, अगर इसको आप इसका वेक्टर प्रोडक्ट लेते हो तो आर बी साइन थीटा, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का मोमेंटम वेक्टर, पी इज इक्वल टू एम बी आपको पता ही है। अच्छा, इसको आप जो है राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल क्लॉक वाइज किस तरह से, मतलब जैसे मैंने आपको वेलोसिटी समझाई थी ना, इसी को आप सेम अप्लाई करोगे एक्सेलरेशन पे, इसी को सेम अप्लाई करोगे एंगुलर मोमेंटम पे। ओके, जो डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज होती है उनको आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, और इसी तरह अगर क्लॉक वाइज तो भाई आपकी टूवर्ड यू एंड एंटी, सॉरी एंटी क्लॉक वाइज टू टूवर्ड यू एंड क्लॉक वाइज टू अवे फ्रॉम यू। अब यहाँ पे आप जो है आर तो आपको पता है यहाँ पे लगा रहे हैं, पी इज इक्वल टू एम बी मैंने बताया मास इंटू वेलोसिटी, तो एल इज इक्वल टू वन, एल इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा भी आप यूज कर सकते हो, एल इज इक्वल टू एम वी आर ओनली,
ये भी आप यूज कर सकते हो, सही है। और थीटा इज इक्वल टू 90, अगर थीटा 90 होगा तो आपको पता है क्या है, एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होगा। कैसे? आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब कॉस 1 पे जो भी क्वांटिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, बट साइन पे जो क्वांटिटी होगी वो 90 पे मैक्सिमम होगी। तो 90 का एंगल बन रहा है तो आपका एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है भाई? अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होता, क्या एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं होता तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। दैट्स आर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसको आप एल इज इक्वल टू आर इन टू पी से शो करते हो। अब अगर आर आपका पैरेलल है, आर क्या है, पैरेलल, और एक आर जो है परपेंडिकुलर है, मतलब दो आर है, एक पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है, इनको आप प्लस करोगे इन टू पी, मतलब पी के आप मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर प्लस लगा दोगे, तो ये आपको एक फॉर्मूला तो ये मिल जाता है। ओके, पैरेलल के रेस्पेक्ट में। और अगर यहाँ पे आपको क्या है कि भाई दोनों साइड पे आपको टॉर्क जो है जीरो रखना है, टॉर्क इज इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, सही है। जब वो जीरो है तो आपका एल क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, सही है। एल मतलब आपकी लेंथ, सॉरी लेंथ क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ रहेगा कंजर्व, एल सो सॉरी एल लेंथ बोल रहा हूँ, एल जो आपका एंगुलर मोमेंटम जो है कॉन्स्टेंट हो जाएगा अगर टॉर्क अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा होगा। अच्छा, एक फार्मूला और भी है जो आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम का, ये बच्चों को नहीं पता होता लेकिन मैं आपको इसमें ड्राइव करवा देता हूँ। ओके, आपको पता है एल इज इक्वल टू आर इन टू पी, जैसे हमने एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला निकाला है। ओके, अब आप जो है यहाँ पे देखो, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इन टू वेलोसिटी लिख दिया, आर जो है आपको अभी भी नहीं मिला, तो अब आप क्या करोगे, वी जो आपको बताया है किसके बराबर है, ये वी बराबर है आर ओमेगा के, इधर लिखोगे, आर से आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम तो हमने पहले से लिखा हुआ है, वी को हमने जो चेंज किया तो हमें ओमेगा भी मिल गया, आर स्क्वायर इंटू एम इंटू ओमेगा, सही है। अब आप क्या करोगे, आपको पता है आर स्क्वायर इंटू एम बराबर होता है इनर्शिया के, कैसे, अभी हमने इनर्शिया को देखा, 1 मिनट, पीछे क्वांटिटी, ये देखो आर स्क्वायर इंटू एम, ये तो छोड़ दो सम वगैरह कह रहा है, ठीक है। तो अब ये देखो आर स्क्वायर इंटू एम इनर्शिया के बराबर, तो ये एल एंगुलर मोमेंटम आपका बराबर होगा एंगुलर वेलोसिटी इंटू इनर्शिया, सही है। ये जो है एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में नहीं है, एक अलग से फार्मूला नोटेड करने के लिए दिया है मैंने आपको। एंगुलर मोमेंटम में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका टॉर्क हो जाएगा जीरो, सम ऑफ टॉर्क, तो आपका फॉर्मूले में क्या होगा, एंगुलर जो है एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा, वो कंजर्व रहेगा, ठीक है, और वो कांस्टेंट रहेगा। अब आ जाते हैं हम टॉर्क पे, टॉर्क क्या, आपने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जो टॉर्क में अप्लाई होती है, फॉर एग्जांपल आप डोर ओपन करना और क्लोज करना, ये भी टॉर्क में शुमार होता है। जैसे अब इस डोर को तो नहीं लेंगे हम, एक लेंथ ले लेते हैं आर, जो सेंटर के रिस्पेक्ट में, सॉरी इससे जो है जुड़ी हुई है एक, ये इसका एक्सिस है। अब इस पे अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये डिस्टेंस मूव करेगा आर रेडियस में, आर रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, वो टॉर्क है, टॉर्क को हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ये आप रेंज देख रहे हो, उसमें आर रेडियस है, मूव किया के एक फोर्स लगाने की वजह से उसने क्या किया, टॉर्क को, ये सी शॉ भी टॉर्क की एग्जाम्पल है, डोर ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी टॉर्क की एग्जाम्पल है। ओके, टॉर्क इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, सही है, या एक्सिस ऑफ रोटेशन या मोमेंट ऑफ फोर्स, तीनों नाम दे सकते हो, मैं तीनों को हाईलाइट करता हूँ। ओके, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्टेंस रेडियस, ओके। ये क्रॉस प्रोडक्ट है मोमेंटम आर, ये मोमेंटम को बोल रहा है, फोर्स आपको पता ही है, इसको आप इसका जो है वेक्टर प्रोडक्ट भी ले सकते हो। टॉर्क को आप उसको मॉडुलस में रख के आर इंटू एफ साइन थीटा, ओके। ये देखो अभी आपको एक डायग्राम दी हुई है भाई, टॉर्क किस तरह होता है, थीटा एंगल मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स अप्लाई होगी रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो उसने क्या किया, उसने टॉर्क अप्लाई हुआ। अब टॉर्क जो है पॉजिटिव होता है अगर वो डायरेक्ट टूवर्ड फॉर्म पेपर एंड नेगेटिव, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है अभी ये बुक से उठाया हुआ पॉइंट है, तो ये पेपर की एग्जाम्पल ले रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये अवे यू जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को सपोज करो अगर टॉर्क आप से दूर जाता है, पेंसिल को लेके आप अपने से दूर ले जाओ, तो वो क्या है, वो अवे फ्रॉम यू है, आउटवर्ड यू, तो वो क्या है, टॉर्क आपका पॉजिटिव होगा, सही है। और अगर टॉर्क आपके इनवर्ड आता है, हम इसकी डायरेक्शन पता कर रहे हैं ना क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये क्या हो जाएगा, टूवर्ड यू हो जाएगा, सही। अगर ये नेगेटिव है तो टॉर्क क्लॉकवाइज भी हो सकता है, काउंटर क्लॉकवाइज भी हो जाता है। काउंटर क्लॉकवाइज को देख के डर मत जाना कौन सा नया वर्ड आ गया, एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है। टॉर्क के यूनिट होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स इंटू रेडियस का आप फॉर्मूला लगा दो तो आपको पता होना चाहिए, और डायमेंशन हम इसको एम एल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, सॉरी एम एल स्क्वायर टी स्क्वायर लिख, टी माइनस टी, टी इनवर्स स्क्वायर लिख सकते हो, टी माइनस स्क्वायर इंटू नहीं करना सॉरी, ओके। तो अब ये जो है आपको मैंने जैसे बताया था कि फोर्स का जो है आपको पता होना चाहिए एम एल स्क्वायर। अब इसमें ये हमने जो डायमेंशन बनाई है इसमें क्या हमने क्या चेंज आया है, सिर्फ आपको अगर फोर्स का पता होता तो आप आर तो वैसे ही रेडियस एल है तो आपको एल इसमें ऐड करना है, एम एल एस एम एल टी माइनस टू जो होता है वो होता है फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, आप उसमें एल ऐड कर दो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका टॉर्क का डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है, ओके। अब हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं, छोटी सी, जिसमें हम जो है टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन को लेंगे। एक ऑब्जेक्ट मास का एक एम मास का जिसपे एक फोर्स लगाई आर रेडियस के रिस्पेक्ट में, पार्टिकल को आर रेडियस से अटेंड कंज्यूमिंग स्ट्रिंग, उस पर नेलिजिबल जो है मास है स्ट्रिंग का आप कंसिडर करोगे, मास स्ट्रिंग का आप नेलिजिबल कंसिडर करोगे, ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन ये आप डेरिवेशन में कर रहे हो, ये नहीं कि हर जगह, सही है। अब यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे तो टॉर्क जो है क्या है, टी इज इक्वल टू आर इन टू एफ, वन मिनट, टी इज इक्वल टू आर इन टू एफ आएगा, और जो एफ इज इक्वल टू एम ए आता है फोर्स इन टू एम ए, मतलब आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है ए इज इक्वल टू आर अल्फा, सॉरी लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर अल्फा, सही है। तो अब आप क्या करोगे, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे बोथ साइड, मतलब एफ इज इक्वल टू एम आर ए लिख दोगे, कैसे, देखो एफ इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू आर इन टू एफ तो था ही, एफ इज इक्वल टू एम ए, और आप एम की ए की वीडियो वो ए की वैल्यू लिख देते हो, ये ए है, ये ए की वैल्यू लिख देते हो, तो आपको ये मिलता है आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा, और टॉर्क आपको मिल जाएगा एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू इनर्शिया, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, सही है। तो मतलब आपको एक रिलेशन भी मिल जाता है टॉर्क का एंगुलर एक्सेलरेशन से, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके। अब ये यहाँ पे बस पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, अब टॉर्क अगर आप उसका सम लेते हो तो आप उसको इस तरह से रिटर्न कर सकते हो, राइट कर सकते हो, टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, ईच पार्टिकल इज एज्यूम असाइन अ नंबर, मतलब फॉर एग्जांपल आप इसको नंबर में भी असाइन कर सकते हो, यहाँ पे ये आपको सम दे रहा है, फॉर एग्जांपल टॉर्क ये कह रहा है सम ऑफ ऑल टॉर्क, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट का टॉर्क दूसरे ऑब्जेक्ट का टॉर्क, इसी ऑब्जेक्ट का दूसरा टॉर्क तीसरा टॉर्क, मतलब टॉर्क वन टॉर्क टू टॉर्क थ्री एम वन आर वन स्क्वायर M2 R2 स्क्वायर इनका सम कर दो, तो ये आपको टॉर्क का सम मिल जाता है जो बराबर होता है आई अल्फा के। ये आपको एक डेरिवेशन है, सही है, ये रिलेशन बताने के लिए है, ये कभी कभार आपको यूज़ होती है, तो आपको ये फॉर्मूले में पता होना चाहिए कौन से आपको डेरिवेशन और
इक्वेशन जो है आपको यूज, मतलब फॉर एग्जाम्पल कौन सी इक्वेशन आपको यहाँ पे डेरिवेशन, मतलब इक्वेशन जो है आपको यूज करनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है या कौन सी डेरिवेशन आपको वहाँ पे करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूलाज में मतलब न्यूमेरिकल में आपको काम आएंगी ये डेरिवेशन, इसलिए मैंने ये करा थी। ये तकरीबन आपकी बुक से ही था, ऑल चीज़ मैंने बुक से उठाई थी सिंटैक्स की। आई होप आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।